बरेली के बाकरगंज में लगने वाले मोहर्रम के मेले की तैयारियां शुरू हो गई है। 16 जुलाई से शुरू होने वाले मेले में बड़ी संख्या में दुकानदार दुकानें लगाने लगे हैं। वहीं मेले में हलवा पराठा, क्रिकरी, खेल खिलौने, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक के सामान, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का सामान आदि की दुकानें भी लगना शुरू हो गई है। मेले को आकर्षक बनाने के लिए शाहजहांपुर निवासी इमरान अली खान द्वारा 53 फीट ऊंचा हवाई झूला, जिसमें एक साथ 40 लोग झूला झूल सकते हैं, कोलंबस झूले में 30 लोग बैठ सकते हैं, ब्रेक डांस झूले में 40 लोग, ड्रेगर ट्रेन में 16 लोग बैठकर आनंद ले सकते हैं, तो वहीं डोरा डोरा झूले में 40 लोग बैठ सकते हैं। बरेली वासियों के मनोरंजन के लिए इस बार डबल डिस्क पहली बार लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगी, जिसमें 40 लोग भरपूर आनंद ले सकेंगे। वहीं हवाई क्रिस में भी 40 लोग एक साथ बैठकर भरपूर आनंद लेंगे। इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे झूले लगाए जा रहे हैं। वहीं बच्चों के लिए मिनी ट्रेन भी आकर्षण का केंद्र बनेगी। बाकरगंज स्थित मेले में जहां तरह तरह के खाने पीने के स्टॉल लगाए जा रहे हैं, वहीं इस बार इमरान अली खान द्वारा विभिन्न प्रकार के झूले लगाकर मेले को आकर्षक बनाया गया है। इस संबंध में आज हमारे संवाददाता ने इमरान अली खान द्वारा मेले में लगाए गए विभिन्न प्रकार के झूलों के संबंध में उनके मैनेजर सत्य प्रकाश शुक्ला ने विभिन्न प्रकार के झूलों एवं बच्चों के मनोरंजन के लिए लगाए गए विभिन्न प्रकार के झूलों की जानकारी देते हुए बताया। मैं सत्य प्रकाश शुक्ला नाम हूँ, मैं शाहजहाँपुर जिले का रहने वाला हूँ और हम झूले लोग कारोबार करते हैं सारा। यहाँ जो ये आपके झूले वगैरह लगे हैं, जी जी, ये सब आपके निर्देशन में चल रहे हैं? जी। कितने झूले लगे हैं? हमारे 7 झूले लगे। 7 झूले लगे हैं। कौन कौन से झूले हैं? हवाई झूला है, नाव झूला है, ब्रेक डांस है, ड्रैगन है, टोरा टोरा है, और क्रॉस है, सोलम्बो है, डबल डिस है। आप यहाँ पर झूलों के मतलब कौन है यहाँ पर, मालिक हैं क्या? नहीं, मैं मैनेजर हूँ। जी, मालिक का क्या नाम? मालिक हमारे इमरान अली खान हैं, वो भी प्रॉपर शाहजहाँपुर के रहते हैं वाले। कितने दिन का आपका ये प्रोग्राम है यहाँ पर? 5-6 दिन का है। 5 या 6 दिन का है? नहीं, कन्फर्म बताइए कितने दिन का। 20 तारीख 5 दिन की परमिशन, 20 5 दिन का जी जी जी। ये परमिशन आपने प्रशासन से लिए है या कमेटी ने लिए है? कमेटी द्वारा हुई है, हमारे द्वारा हुई है। आपके द्वारा परमिशन? जी। में लोग झूला झूलने के लिए आपके यहाँ पर आते हैं? जी जी जी। उनकी सुरक्षा किस प्रकार से आप लोग करते हैं? सुरक्षा क्या, उनको अपने हिसाब से बिठाते हैं जी। एक सीट में 3 आदमी या 2 आदमी इस तरीके से बिठाते हैं, और हम लोग इतना तेज हवा उन्हें चलाते हैं, हमारे कर्मचारी खुद उस चीज़ को देखते हैं और हम लोग स्वयं देखते हैं उसको। क्या उस झूले में सीट बेल्ट लगी होती है? नहीं, हवाई झूलों में तो सीट बेल्ट नहीं होती किसी में। क्या हेलमेट आप देते हैं उनको? नहीं, कुछ भी नहीं होता है। कितने फीट ऊंचाई आपने बताई थी अभी? 53 फीट की। 53 फीट की ऊंचाई बहुत होती है। और 53 फीट से मान लीजिए इस तबागन से कोई हादसा होता है, कोई गिर जाता है, कभी कभी अक्सर हुआ है ऐसा, फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? उसकी जिम्मेदारी मेला आयोजक होता है, जो मालिकान होता वो उसके ऊपर होती है जिम्मेदारी। नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से तो चूंकि 53 फीट हाइट का झूला है तो इसमें बेल्ट, सुरक्षा बेल्ट नहीं, बेल्ट कभी नहीं इसके, इस झूलों में कभी भी बेल्ट आई ही नहीं, आदमी आराम झूलता है, आराम झूल कर चला जाता है।